इंजील मुकद्दस मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं और वो अब तक कभी हलाक ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। जो मेरे बाप ने मुझे दिया है वो सबसे बड़ा है और कोई उसे मेरे बाप के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और बाप एक है, मैं और बाप एक है। इंजील मुकद्दस के वसीले से हम सबकी खताएं माफ की जाए। सब तो पहले आज सारी दुनिया मामा का दिन मनाया जा रहा है, मदर्स डे, जोरदार तालियां ना, हैप्पी मदर्स डे। मई के महीने से हमेशा हर साल मदर्स डे मामा को सलाम की जाती है ते जून के महीने से फादर्स डे मनाया जाता है। सो एक महीने का फर्क है, पहले मदर्स डे मई से ते जून के बीच है फादर्स डे। सो आज आस पास है एक बार फिर जिन्हें भी आज मामा इतने मौजूद ने चर्च में या बाहर बैठे हैं उन्हें जोरदार तालियां ना, तालियां ना, बहुत बहुत धन्यवाद। मां के बारे की कह रहे मामा ठंडिया कहते देखिए आसमाना ते खुदा ते जमीन ते उहदा नंबर मेरे वास्ते गुरु बाप की अपनी जगह उहदा भी कोई मुकाबला नहीं। अब्बा अब्बा इहदे च कोई शक नहीं पर अम्मा अम्मा इहदे च भी कोई शक नहीं। अब्बे की गल उस दिन करांगे, अज सारा मामा की गल कर रहे हैं। मामा कहिंदे अच्छी अज असीं पाक कलाम चो एक तलावत कीती है, मैं जरा उहदे नाल मां दा दिन मिलावांगा। यूहन्ना दसवां बाप इहनूं असीं कहिंदे आ अच्छे चरवाहे दा बाप। अज पूरी दुनिया अच्छे चरवाहे दा इतवार भी मनाया जांदा। यीशु मसीह ने कहा सी अच्छा चरवाहा और मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान कुर्बान करता। अच्छा चरवाहा मतलब अति गल यीशु एक जगह कहता मैं बर्रा हूं। आज दूजी तलावत सुनी मकाशा यीशु कहता मैं यीशु वो बर्रा है जिहड़ा ज़बह कीता गया जिहदे खून दे नाल लोग पाक साफ होंगे ने वो बड़ा जो सलीब पे मर गया। किन्ने बजे किन्ने बजे ते है इस गुनाहों की माफी लई कुर्बानी किन्ने बजे चढ़ाई जानी सी किन्ने बजे 3 बजे है इस 3 बजे गुनाहों की माफी के वास्ते हर रोज एक बड़ा कुर्बान किया जाता है। ओदा खून मस्बे ते छिड़किया जाता है 3 बजे। फिर खुदा ने एक ऐसा बरा देता जिदे कुर्बान होने के बाद रोज रोज बरे को कुर्बान करने की जरूरत है, वो बरा 3 बजे सलीब उत्ते कुर्बान हो गया। बरा ते चरवाहा इहदा रिश्ता है आपस च, भेड़ा दा बरे दा ते चरवाहे दा रिश्ता है।
यीशु मसीह के अच्छा चरवाहा मैं हूं। ये काफी सारिया सिफतां दसियां ने। नंबर वन, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की फिक्र करता है। दूसरा, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान कुर्बान करता है। तीसरा, उसकी भेड़े उसकी आवाज को सुनती और पहचानती है, पहचानती और सुनती है। और चौथा, उसकी भेड़े उसके पीछे पीछे अंडरस्टैंडिंग, समझ लो, हसास, एहसास, हसास, दो फर्क लफ्ज है। हसास है दूर ही पढ़ लेना, हसास हो ना दूर ही पढ़ लेना, ऐस बच्चे नू, ऐस बंदे नू, ऐस बीबी नू की प्रॉब्लम। अच्छा चरवाहा हसास बहुत है। आज मैं मामा नू ना अच्छा चरवाहा कहना चाहूं, क्योंकि मां तो बहुत अच्छा चरवाहा कौन है, मां तो बहुत एहसास कौन है। वो बच्चे नू तो कुछ भी नहीं दसना पड़ेगा तो मां नू समझ आने नू हो के गया। ये क्योंकि बच्चा मां ने बदन चो बदन है तो उसके खून चो खून है। नौ महीने उसके पेट से पाल रहा है, ये सिर्फ है बदन जो मेरी मां की एक्सटेंशन है ही, वो कुछ भी नहीं है। मेरा बदन मेरी मां के पेट से नौ महीने बन गया, ते कितों उसके बदन चो बदन आया, उसके खून चो खून आया। सो जो मां नु होना है ना, या जो मेनू होना है वो मां नहीं होंगे। हसास पुत्र कराची बैठा होंगे तो मां लाहौर बह के कह दे डॉक्टर मेरे पुत्र को कुछ होया, ये किने पता चल भाई, पता नहीं इको ही है। नौ महीने तेरे चो निकले है इको ही पता नहीं। नौ महीने के बाद उन्हें अपना वजूद लिया, पर मां के नालों कभी कटिया नहीं गया, वो कटिया तो गया है लेकिन वो कनेक्शन नहीं टूटा। इस वास्ते सब समुद्र पार मां को पता चल जाता है कि ओदे पुत्र नु ओदी धी नु की मुश्किल है। इनू असीं कहने आ हसास होना, जेड़ा एक चरवाहा ना हसास है उन्हूं पता मेरी पेट नु की हो गया, मेरे बने नु की हो गया, खुश है परेशान की। इस वास्ते एक मां अच्छा चरवाहा ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਦੂਸਰਾ, ਮਾਂ ਨੌ ਮਹੀਨੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਆਈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਫੜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਹ ਆਪਣਾ ਬਾਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਫੜ ਲੈ ਇਹਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਬਈ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ। पक्की गल मां ਅਜ਼ਮਤ ਵੇਖੋ, ਮਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ
बच्चा माँ तो अलहदा होगा ही नहीं चाहिए। बच्चे कभी कभी हो जाते पर मामा नहीं होती। क्या मैं पंजाबी पुत्र के पुत्र हो जाते ते मापे के मापे नहीं होते। बच्चे कभी हो जाते हैं दूर माँ ने माँ हमेशा जुड़ी है और माँ की अजमत माँ का दर्जा ते माँ की शान भी हुई ते माँ कभी जुदा होती नहीं। मां की तरबियत मां अपने बच्चों की तरबियत करती है पहले दो तो कि मां अपने बच्चे की तरबियत करती उठना बहना चलना फिरना सब मां सिखाती है हर काम जिला बच्चा करता है पहली बार मां से ये सुनो पहला मुझा किने सिखाया इन्हें मां ने शादी से गए ने कहना गली से मैं कट गई मां मरियम फिर अगेन दोबारा एक मां सा से दूजे को भी पता चलिया कि काट कुछ कट है मां को पता है मां गई तो यीशु मसीह कहना मेरा वक्त नहीं आया हाली नहीं पर मां की अजमत वेखो वक्त नहीं नहीं आया आपकी फिर भी मां की नहीं मोड़ी मां की नहीं मोड़ी ये चेताबेदारी जिन्हें बच्चे बैठे है मैं गल आखिर पाटी मां की नहीं मोड़ी ते पहला मोजा यीशु का पहला मोजा किते कहते हो मां की कह सच्ची गल है अपनी अपनी जिंदगी वेखदा हो ताकि अपनी जिंदगी च कोई वड्डा काम कोई वड्डा मौजज़ा जेड़ा भी होया मां ने होया पहली बार चलना किने सिखाया सी मां मां ने दुनिया च चलना फिरना उठना बहना मां ने जो आज मैं मां मां की बताओ जो आज तुसी हो मां की बताओ मैं नहीं कहना अब मेरा रोल नहीं है वो अपनी जगह लेकिन मां मां आज मदर डे थे ना परेशानी वाला दिन नहीं एंड ना परेशान हो खुशी का दिन है शुक्र गुजारी का दिन है ऐसा स्थिति हुई कि मदर डे परेशान होने नहीं बताया खुश होने ते शुक्र गुजारी ने खुदावंदा तेरा शुक्र है इस दुनिया में भी एक इंसान है जरा अपने लिए नहीं जीता किधर लिए जीता है दूसरे लिए तो शुक्र गुजारी करनी है खुदा ने अपनी अपनी मां ने ते कदों करनी सब तो बड़ी गल असि शुक्र गुजारी कदों करने हैं याद कदों करने हैं मां बाप को जब टूट जाते हैं फिर क्या ने अब्बा तेरी गल तेन जो जिंदा ही उदो तो अखा कटता से हम तेन हम तेन आया कि भी अब्बा तेरिया गल उदो की होगा उदो नहीं याद करना वो टुर गए वो मर गए तो फिर गीत गाने अथरुआ के नाल अब्बा तेरिया गल हूं मैं याद करा हूं करागा उदो कोई नहीं मां बाप की कदर करिए जो सिंधा मां की भी ते बाप की भी चौथा हुक्म की तू अपने बाप और अपनी मां की अच्छा एक तेरा नफस इज्जत जड़ा ना इनू सिर से चढ़ाया इज्जत का मतलब ये नहीं है कि जनाब याले ऐसी कोनो हाथों से चुकी बनी नहीं इज्जत है प्यार हुक्म ना मां मैं तेरी इज्जत बड़ी करना और मैं तेरी गल नहीं मनना एक भी इज्जत है इज्जत ते प्यार बच्चों लिए ताबेदारी ये मां का प्यार है ये मां की इज्जत है ताबेदारी अज जोर दे के कहना चाहना मां की कदर करिए जिन्नी देर तक वो साढ़े नाल है
अपनी माँ की इज्जत करो, प्यार करो माँ, शुक्रगुजार हो। लफ्ज कुर्बानी पता कितों आए ये च ना ये फारसी जबान का लफ्ज है कुर्बानी। एदा पहला लफ्ज है करम। करम की होंगे दुख तकलीफ करम करम चुके आए बंदा जिदे च करम नहीं ना होंगे जिदे च दुख नहीं आता वह नहीं कुर्बानी है। दस रुपया दे दो करोड़ रुपया कहो मैं बड़ी कुर्बानी नहीं जिदे में थोड़ी जी तकलीफ हो कदम हो कुर्बानी कदम। मां का वजूद तो पहला अमल ही कर्म का है जो जन्म देती है दर्द के नाल कर्म है वही कुर्बानी मां का वजूद ही कुर्बानी। इस वास्ते आज आज का दिन मां को सलाम करने का दिन है अपनी अपनी मां की शुक्रगुजार करने का दिन जड़िया हयात ने मावं उन्होंने भाई सलाम ते खुदा करे अज तुहाडे बच्चे तुहानू गिफ्ट दे। मावं ने ना इंज नूं वेख्या कि लैणा नहीं आ बच्चे ने नहीं कहना चाहना मावं ही देंदियां ने लेकिन अज ना कोई तो काम करो ताकि मां नूं एहसास हो गया जी ये काफी नहीं है आई लव यू मां ये दे जी ने नंगा तू दे ना मदद से कुछ कर। मैं आज सारे मां नूं बोल दवां रेड कलर रेड कलर कुर्बानी दी गल है मोहब्बत दी कुर्बानी दी गल है ते अपनी मां नूं भी सलाम करांगा आसमाना ते जिन्हें भी मामा समानते सलाम करो जिंदा ने जो समानते वो भी शुक्रगुजारी कर मैं भी शुक्रगुजारी करना अपनी मां सच्ची गल हथ खड़ा करो जी सब तो अच्छी मां मुझे समझ लग गई गल की समझ लगी है हर एक की मां सब तो अच्छी मां मेरी मां सब तो अच्छी तुहाडी मां सब तो अच्छी मां दे दर्जे है ही कोई नहीं हर मां ही अच्छी हर मां ही कुर्बानी है हर मां ही प्यार है। इस वास्ते अज नौजवानों तुम कहना चाहना हूं तू अपने बाप और अपनी मां की इज्जत सुख दिया कर मां बाप कुर्बानियां ना जन्म देंदे वड्डा करदे ने ते जदों ओ सारी उम्र खिदमत करदे ने जदों साडी वारी आंदी है ऐसी मां बाप नूं परेशानियां च पाया बहुत घरां च बड़ियां स्टोरियां ने बड़ियां कहानियां ने यकीन जानो 99% मां बाप दी अपनियां परेशानियां नहीं है किदियां ने बच्चे सो बहुत ही प्यारे नौजवान अपनी मां दी कुर्बानियां हमेशा याद रखियो ते सिरा देना किस तरह मां बाप तेरे को पैसे नहीं मांगते कुछ नहीं मांगते और सिर्फ मांगते ने उन्होंने प्यार करो उन्होंने कदर करो उन्होंने इज्जत करो। अच्छा कमाओ की गल है मां होना ये सिर्फ इंसानों च नहीं है हर चीज च परिंदे च कभी मुर्गी ने वेखे जिसे बच्चे बच्चे कटे ने अंडे कभी वो कोल गया की करती है क्यों तुहाडे नाल लड़ी नहीं वो समझती है कि ये मेरे बच्चों ते अटैक करन आए ने ते वो अपने बच्चों नूं बचांदी है। मैं
मैं राती मेरा एक पसंदीदा चैनल है नेशनल ज्योग्राफी, मैं अक्सर वो प्रिंदिया मीरा जी बहुत फिल्मों देखना हूँ। लकी बड़ी अच्छी फिल्म देखी, छोटी शॉर्ट फिल्म चिड़ी मगरा एक परिंदा है, बड़ा खूबसूरत पाप उन्हें ना दरख्त दे बेच अपने बच्चे दिते ऐसा वो दे बच्चे वो बार 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 जानती है दाना ला के आती कितने आप नहीं खाती तीनों खुआ रही है ऐ जमा इंसान नहीं परिंदा है। अचानक वो तो ही सांप बच्चे को उठ के थले बैठे थे सांप निकल आया सांप दौड़ दौड़ के ना बच्चे ने पहन लिया जिधर सांप जाता है मां के खुल जाती है अंजाम ऐसा अच्छा नहीं सी आखिरकार उस परिंदे ने सब खा गया पर उन्हें अपने बच्चे ने खा आप वो परिंदा कुर्बान हो गया पर अपने बच्चियां ने बचा मैं जे मां सिर्फ इंसान च नहीं परिंदे च चरिंदे च दरिंदे च भी जेड़े चील पार करते ना उन्होंने च भी मां अपने बच्चे ने कुछ हो कुछ नहीं होने दी। एक पासे में माँ बाप नौजवान लोग क्या है अपने माँ बाप की इज्जत कर दूसरे पास में जरा मामा के भी इंतजार करने तो अदा ना ही कुर्बानी तो तुम सलाम करने सल्यूट करने पर अपने बच्चा का क्या करने। एक अच्छी माँ अपने बच्चों के कुर्बान होती है। आमीन। मैं परिंदे की मिसाल देती हूँ, बड़ी अच्छी छोटी छोटी वीडियो ने परिंदे दिया चमकर दिया किस तरह अपने बच्चे का ख्याल करते हैं अपने बच्चे का ख्याल करें। अब खुदा ने ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी तेरे ते पा दी थी, आज जिम्मेदारियां याद नहीं मैं करवाना चाहना लेकिन छोटा जा मैसेज मामा को भी जरूर देना चाहना जिम्मे बच्चों को दिता है कि अपनी माँ को प्यार करो माँ को भी कहना चाहना अपने बच्चों की ना फिक्र करो जेडे मुआशे ची जिंदा हो ना ढेरों सापे घेरे एक सापे का आम मुल लिया के हाँ जी वाहवा महंगा 80-80 हज़ार बिल्कुल भी है ख्याल रखियो। मोबाइल बहुत अच्छी गल है कि जो सड़क पर बसे हुई है तो फिर पता चलता है कदर की है कुछ कह चुका है ये फिर पता चलता है यही कदर ये बदी नहीं ना ये बुराई है। लोग कहेंगे मैं नहीं करना अच्छी चीज है। मैं अगला लेक्चर दे रहा हूं ढेर सारा मैं मोबाइल तो पढ़ के आया हूं वो फिल्म भी मोबाइल तो देख के आया हूं वो परिंदे वाली अच्छी चीज है लेकिन बहुत बारी सप भी नहीं मेहरबानी करके मामा सिर्फ पाल देना जन्म दे देना बहुत सोहनी गल पालना ते संभालना ये उस तो वड्डी गल जे पालना ते संभालना बड़ा औखा हो गया है जिहड़ी दुनिया च असीं रहिंदे संभालना बड़ा औखा मुश्किल ये हो गई है कि बच्चे साडे बड़े जबरदस्त हो गए पढ़ रहे कहने ते हुण मां बाप कोई गल करे जाने तुहानूं की पता है कोई गल मां बाप करे इको जवाब होंगे नौजवान की हाँ कहते मां बाप ने इन्हों नहीं जमया इन्होंने मां बाप को जन्म दिता है नहीं मां बाप मामा ठंडिया छावा ने ये कोई शक ही नहीं ते मां बाप उन्होंने जिंदगी का तजर्बा तुम एम ए कर लो जो मर्जी कर लो मां बाप की जिंदगी का तजर्बा वह मुतबादल कोई है
पूछना नौजवानों को माँ बाप को कहें ना तो की पता है याद रखियो इन्होंने तुम जन्म दिता पालिया संभालिया पर मावां नूं भी कहना चाहना खासकर मावां नूं क्योंकि घर के बिच हर गल का मैं पता नहीं क्यों 100% इस गल नूं मानना मां नूं हर चीज का पता होता मैं अगे क्या है ना जे कराची बैठे बच्चे का पता उन्होंने बुखार चढ़िया है तो वाकई बुखार चढ़िया होंगे घर बैठे का क्यों नहीं पता चलता कि यह वीडियो लगा है की मिलता पे तीन घंटे तो ठीक है एक कॉल हो नहीं है कि नू नहीं पूछना तो क्यों है मैं नहीं मानता कि मां को कुछ भी नहीं पता होता मां को सारा ही पता होता सारा पता हूँ ये ना कहना कि बच्चे पढ़े लिखे नहीं ऐसी पढ़ा मैं एक ऐसी मां जानना वा मेरे पुराने इलाके वो दे बच्चे बहुत पढ़े लिखे तो मैं सवाल किया किस तरह होया कि तुहाडे बच्चे पढ़े लिखे ने मां कहंदी सी मैं बिल्कुल अनपढ़ हां ते बाप भी कोई एक दो रह कोई साल स्कूल गया हो पर मैं अपने बच्चे नूं रोज लैके पढ़ाई ली बैठी सां ते एवी करदी सां तो किताब पुठी पढ़ी ते मेरा बच्चा तो नहीं अम्मा सिद्धी है तो लिखन नहीं गया जी तेरी कलम किथे तेरा पेन किथे मां कुछ नहीं पता लेकिन बच्चे तो कौन बैठी है दस रही है कि मैं दिलचस्पी लेनी है तू की करना है मैं पता है उन्होंने अभी नहीं नहीं पता ऐसी अंधी मैं भी कहीं नहीं तू गलत नहीं कर दे बेटे मां पढ़ रहे हो तो पता नहीं चलने दे लेकिन फिर भी बच्चे कह रही है बच्चे हमेशा ही सीधे हो जाने से अम्मा को पता है की करना है अम्मा को पता जे कि घर की हो गया ख्याल रखियो जवान बेटा जवान बेटी जब मोबाइल की जान ना छे तुम्हें पता कहना आसान नहीं माँ बाप की कदम एडी छेती मानते मैं उन्होंने बच्चे लेकिन जब उसकी जान ही ना छता बस ये जरूर पूछियो मैं किनू फोन कर या करन नहीं दो में बेटे नु भी कहना ते बेटी नु भी कहना जिगर ते काम नहीं पर मां मां ही कह सकती कह दे ना ये पालना भी जे ये संभालना भी आमी मां ना बहुत बड़ी बरकत है जमीन पे खुदा हो रही है सच्ची गल आसमाना तो ते वो खुदा है लेकिन अपना दिल जमीन से तुम दे दिता अपनी सिफता तुम दे दिता अज दुआ करने थोड़े वास्ते खुदावन तुम बहुत बरकत दे कुवत दे ताकत दे कुवत दे ताकत दे ताकि मां अपने खानदान की बरकत से खुशी ना पाए आमीन एक छोटी जी ब्याया नु गल कह के बंद खत्म करने लगा अपने मां बाप भुल जाते नौजवान जो आप शादी शुदा हो जाते हैं बच्चे हो जाते हैं फिर यह भुल जाते हैं कि पिछे सानू नहीं कोई जमन वाले आए थे अपने बच्चों की सारी फिक्र अपने मां बाप की भूल भाल जाते जिन्होंने आप जन्म दिता है उन्होंने की फिक्र जिन्होंने जिन्होंने सानू जन्म दिता है उन्होंने भूल जाते खाना छाना खा के फिर याद करते हैं और मैनू भी रोटी दी जे अम्मा ने भी पूछा जे ए अम्मा ने ए अबे ने नहीं सी कभी रोटी खाधी कल मान तो पई अज ने गए बैठे मन तुम कह गया
जिन्ना घरां च बुजुर्ग ने मां बाप ने जरा फिक्र करियो ख्याल करियो उन्होंने तुहानू कुर्बानियां दा फल दिया है जो हम उन्हों का वक्त आया पालिया भी तो संभालिया भी जो उन्होंने संभाल का वक्त आया ख्याल करो कि उन्होंने थोड़े ना की किया कि तुम हम उस मुहब्बत का जवाब की दवोगे हामी इस मां ने तुम पालिया है इस बाप ने तुम संभालिया है तू अपने बाप और अपनी मां की इज्जत सारिया मावान जोरदार तालियां कितना